गुरुवार को SUCI कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हनुमान चौराहे पर एक विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये बताने के लिए कि किसान के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो गलत है, उसे वापस लिया जाए, उसमें खात्मा रिपोर्ट लगाई जाए और गलती क्यों की है वो दिखाई दे रहा है मारते हुए, क्योंकि उस किसान का गुना सिर्फ एक था जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा था। उसने बताइए, आज आप जो पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं किसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी आज ये पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम लोग SUCI कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार जिस ढंग से जन विरोधी नीतियां लेके आ रही है, इन्होंने वादा किया था किसानों को 2700 से ज्यादा में गेहूं की खरीदी करेंगे, लेकिन पंजीयन करा रहा है वो कम में करा रहे हैं। इसी तरीके से सोचा गया था कि बिजली पर, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कुछ सुधार होगा जो वादे किए थे, गैस की टंकी कम में होगी, लेकिन इसका कोई वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा इन सब चीजों के रेट और बढ़ा रहे हैं। तमाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है, विशेषकर स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है इसको लेकर हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। ये विरोध हमारा और आगे जारी रहेगा। धन्यवाद। ज्ञापन दोगे आप? किसके नाम ज्ञापन? हम लोग ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय के पास, यहाँ से रैली निकाल कर जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, सभी जिलों में ये कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद। शिव शक्ति नगर में आचार्य पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री ज्योतिषाचार्य उनारसी कला द्वारा शिवरात्रि के पावन अवसर पर होने जा रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें श्री शास्त्री द्वारा पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि 1 मार्च से शिव शक्ति नगर में स्थित नवीन मंदिर में श्री मदन मोहन सरकार राम दरबार, शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा एवं संगीत में श्रीमद भागवत कथा के ब्रज के कलाकारों द्वारा रासलीला की सुंदर प्रस्तुति होगी और कार्यक्रम प्रथम दिवस 1 मार्च को श्री गणेश पूजन के एवं कलश यात्रा संकादिक आश्रम से मुख्य बाजार होते हुए मंडप प्रवेश पंचांग पूजन यज्ञ प्रारंभ होगा। एक युवक के साथ चाचौड़ा जनपद कार्यालय में हुई मारपीट के मामले में चाचौड़ा जनपद CO और एक अन्य के खिलाफ मारपीट की धारा में FIR दर्ज कर ली है। कपिल धारा योजना के पैसे निकालने की शिकायत की जानकारी लेने आए युवक के साथ जनपद CO के द्वारा मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। जानकारी के अनुसार मोहनपुर गाँव के रहने वाले भगवत मीना बुधवार को जनपद पंचायत कार्यालय चाचौड़ा आए थे। युवक के मुताबिक कपिल धारा के कुएं की राशि पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा निकाल ली गई थी, जिसे उसने CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी। बुधवार को वह शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी लेने पहुंचा था। उसे इसी शिकायत को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। चाचौड़ा थाना पुलिस के मुताबिक भगवत मीणा की शिकायत पर CO गगन वाजपेयी और कदम मीणा पर FIR दर्ज की है। उन पर IPC की धारा 323, 294, 342 में मामला पंजीकृत किया गया है। हर मानव के साथ लगा हूं, मगर इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए भज गोविंदा में, भज गोविंदा में, भज गोविंदा में, भज गोविंदा में मुड़ गए। वो कह रहे हैं कि हे मानव जी, तुम उसी परम पिता परमात्मा का पावन। बताओ, ये क्या कार्यक्रम था आज?
मानव धर्म सेवा समिति सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज जी के संत महात्माओं के द्वारा दो दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया हारौन के अंदर में, और यहाँ प्रातःकाल यात्रा भी कल निकली और आज यहाँ पर सत्संग का आखिरी दिवस था। सत्संग का मूल उद्देश्य था कि हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की बात भी मानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। आज किसको लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आज एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 29 फरवरी को राज्यव्यापी विजय दिवस मनाया है। यहाँ स्थानीय आरओ में एसोसिएशन पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया था 12 सूत्रीय मांगों को लेकर। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि सभी सरकारी विभागों में जो लाखों लाख पद खाली पड़े हैं उन्हें सरकार को स्थायी रूप से भर्ती करना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा जो किसानों की मांग है कि MSP की कानूनी गारंटी लागू किया जाए, सरकारी खरीद सुनिश्चित किया जाए, इन सारी और मांगों को लेकर, शराबबंदी की मांगों को लेकर यहाँ एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेशव्यापी मांग दिवस पर प्रदर्शन किया। और यहाँ पर जो आरुण की भी जो मांगे हैं कि यहाँ पर महिला डॉक्टर की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है सामुदायिक भवन में, लेकिन अभी तक भी आरुण प्रशासन ना ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई की है। आज हम लोगों ने आरुण नगर चौराहे पर, हनुमान चौराहे पर बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी समस्याओं को लेकर और आरुण की लगातार पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरुण में जो बमुरिया तालाब है उसके जो जन सहयोग से हम लोगों जो आंदोलन चला करके उसको बेहतर किया था और उसको हम लोग मांग करते थे उसको अच्छे तरीके से खुदाई करी जाए, जरवर सुनाई जाए, उससे पानी की समस्या पर निजात हो। और दूसरा आरुण में बहुत सारी गली मोहल्ले में सड़कें हैं जो खुदी पड़ी हैं उसको बेहतर किया जाए। क्या आपकी भी नहीं होती सुनवाई? आप भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। हमें व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमारे नंबर पर लगाइए फोन। बनेगा आपकी आवाज, अपनी हर समस्या को उठाएगा अब अक्षत न्यूज। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए 999-392-1712 और एक नंबर 8109198481। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी।